दोस्तों, बहुत से लोगों ने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कराएं, तो मैं इनका सिलेबस पिछले वीडियो में बता दिया हूं और आज हम छात्रावास अधीक्षक का पुराना क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और कंप्यूटर के 50 प्रश्न देखेंगे, जो कि 2016 का यह क्वेश्चन पेपर है जो सॉल्व करेंगे। जो चैनल पर नए हैं, बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छात्रावास अधीक्षक के 50 अंकों का 50 प्रश्न देखने वाले हैं कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान से। तो पहला प्रश्न है, 1260 कंप्यूटर वायरस खालिस्तान वायरस का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिक। दूसरा है, एक CDR को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, वर्मा के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट डाटा में किस तरह का व्यवस्थित होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, रो तथा कॉलम में। तो एक स्प्रेडशीट में डाटा रो और कॉलम में व्यवस्थित हो जाता है। चौथा है, यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, वर्मा। यह एक मालवेयर कंप्यूटर है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक CD का भंडारण क्षमता को मापा जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मेगाबाइट से मापा जाता है। छठवां प्रश्न है, कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की को किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल से खोला जाता है। सातवां क्वेश्चन है, प्रिंट की गति को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो कौन से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी यहां पर हो जाएगा, सभी से किया जाता है, CPS, LPM और PPM। प्रिंटर की गति को मापने के लिए इन तीनों का उपयोग किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, गूगल की डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं, तो गूगल के सिस्टम को क्या कहते हैं? चलिए आप लोग बताइए, गूगल वॉलेट कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल की डिजिटल पेमेंट को सिस्टम को कहते हैं गूगल वॉलेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नौवां एक ऑप्शन हो जाएगा, बी, साइरस। दसवां क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस कौन से प्रकार का डिवाइस है, आप लोग जल्दी बताइए, बी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर एक कौन से प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आंसर बी हो जाएगा, पेज मेकर नहीं है, बाकी सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट, फ्लैश, कंप्यूटर गेम, सब पावर पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट जो कि कंटेंट को एडिट, मॉडिफायर, क्रिएट, डिलीट करने की अनुमति देती है, तो इसका आंसर, अच्छा इसका आंसर नहीं होगा भाई, इसको व्यापम ने डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डाटा को स्टोर करती है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑप्शन 1.44 MB। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाली स्थान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जाता, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, CDR, एक बार में अधिक नहीं लिखा जा सकता, बाकी सब लिखा जाता है। 15 है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसको भी व्यापम ने डिलीट कर दिया था। 16 क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंग। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन एक बिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 17 प्रश्न है, विंडो और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर खालिस्तान की योग्यता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ऑप्शन मल्टीटास्क। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? IP एड्रेस कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एप्पल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसे यूनिक्स, विंडोज और लिनक्स, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 का प्रश्न व्यापम ने डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं
उसके फ्लो की योजना को कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन सी थ्रेट्स खतरे में हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आंतरिक मेमोरी में यानी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंटेलिजेंट टर्मिनल। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक सूत्र में सेल एट्रेम पतक SAS4 का मतलब होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, MS वर्ल्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी है कौन सा है, ऑप्शन बी, Ctrl+N। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त है या उपयुक्त है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ECL। स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह कहलाता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिटर कहलाता है। निम्नलिखित लेजिटमेंट प्रोग्राम में एक एम्बेड कोड है जो शर्तों को पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है, कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉजिकल वन। अगला प्रश्न है, वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एक वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, फिल रेट कहते हैं उसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए आपको 27, 28 और 29 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया था, आप लोग को बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, इंटेलिजेंट टर्मिनल। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉक एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये सभी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यह है ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है, कौन सा कहलाता है, ऑप्शन ए, इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अगला है, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, रोकने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है, तो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, नोटबुक है, सबसे छोटा कंप्यूटर नोटबुक है। लैपटॉप, वर्क स्टेशन और डेस्कटॉप ये सब बड़ा कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं कर सकता, तो कौन सा है जो ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं कर सकता, तो इसका डेजी व्हील प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, एमएस वर्ल्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, FS7। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, POP3। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंटरनेट पर नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटा बेस में स्टोर करता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, कॉलर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम स्वचालन एंड रेफरी एक्ट में नहीं करता, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। गैलिसियस प्रोग्राम स्वचालन से रेफ्लिएट नहीं करता। अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है या हटाता है, इसे बचाता है, क्या कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 और 36 का क्वेश्चन आपका छूट गया था, वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकंड में स्क्रीन दो की जाने वाली एक वीडियो मेमोरी लिखी जाती है, तो पिक्सल की संख्या क्या होगी, 35 का क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, फिल रेट। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्सन 64-bit प्रोसेसर का सपोर्ट करता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, Windows XP। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप 46 का आंसर डी हो जाएगा बताया था ना, तो ये एंटीवायरस होगा। 47 का क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस और माइनस इक्वल है ना।
48 का क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वो क्लस्टर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी कॉम, एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है कि वेबसाइट के एक वेब पेज पर खाली स्थान को क्लिक कर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर लाते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाइपरलिंक द्वारा। आपका कंप्यूटर का 50 क्वेश्चन करा दिया है। अगले वीडियो में देखेंगे हिंदी और इंग्लिश से पूछा जाने वाले प्रश्न, जो कि 10-10 नंबर का पूछा गया था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।